मैं कंक्लूजन पर, 6 चैप्टर्स हमारे डेडिकेटेड थे भक्ति योग पर, आज उसमें कंप्लीशन होने जा रहा है उस टॉपिक का, तो इसीलिए चैप्टर का नाम ही जो है भक्ति योग है, और इसमें डायरेक्टली भक्ति की ही चर्चा होगी, पिछले जैसे अध्यायों से होती जा रही है, मगर मिक्सअप कई सारे और भी कॉन्सेप्ट थे, मगर इस बार जो है आप देखेंगे डायरेक्टली भक्ति की ही चर्चा होगी। तो अध्याय 12 शुरू करते हैं भक्ति योग। अध्याय के 3 सेक्शंस हैं। पहला जो डिस्कशन है वो श्लोक 1 से 7 में है, पर्सनलिज्म वर्सेस इम्पर्सनलिज्म, यानी कि निर्विशेषवाद और भगवान के साकार रूप, इन दोनों में से कौन सा रूप जो है वो श्रेष्ठ है, कौन सा पथ श्रेष्ठ है, व्यक्ति को किस पथ पे चलना चाहिए, ये हम भगवान से ही इसका उत्तर सुनेंगे। 8 से लेके 12 श्लोक, जो 4 श्लोक 4-5 श्लोक रहेंगे, इनमें प्रोग्रेसिव स्टेजेस होंगी भक्ति की, कि भक्ति का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है, किसे भक्त कह सकते हैं, उन्नत कौन है, निम्न श्रेणी का भक्त कौन है, और अलग अलग स्टेजेस क्या है भक्ति में, किस प्रकार से क्रमशः विकास होता है। ये 30 गलत लिख दिया है, 20 है, 13 से लेके 20 तक हम करेंगे, क्वालिटीज दैट इंडियर वन टू कृष्णा, भक्तों के चरित्र कैसा होता है, उनके क्या गुण होते हैं, और भक्ति करने से ही मात्र किस प्रकार से व्यक्ति में सारे सद्गुण आ सकते हैं, इसके बारे में भगवान बताएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट सेक्शन से, पर्सनलिज्म वर्सेस इम्पर्सनलिज्म। तो ये पर्सनलिज्म क्या होता है, इम्पर्सनलिज्म क्या होता है, हम ये पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, मगर फिर भी आई थिंक 2-3 टाइम्स आई हैव यूज द सेम स्लाइड टू मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड यू नो रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पर्सनलिज्म एंड पर्सनलिज्म। आज उसके ऊपर थोड़ा सा और बिल्डअप करेंगे। भगवान शब्द की जो है, भगवान परिकाष्ठा है स्पिरिचुअल ट्रूथ की, ट्रांसेंडेंटल या परम सत्य की जो परिकाष्ठा है, उसमें जो परिकाष्ठा स्वरूप है वो है भगवान, जो मुरलीधर श्री कृष्ण है, और उससे पहले की अंडरस्टैंडिंग है परमात्मा, यानी कि भगवान तत्व के पहले निचली अंडरस्टैंडिंग है परमात्मा, यानी कि जो भगवान हमारे सभी के हृदय में बैठे हैं, विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में बैठे हैं सबके हृदय में, उन्हें कहते हैं परमात्मा। और भगवान श्री कृष्ण का ही जो अंग तेज है, जो कांति है, जो ब्यूटीफुल बॉडीली एफल्जेंस है, उसी को ही कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। और ये ब्रह्म ज्योति पूरे ब्रह्मांड में तो है ही, बट उसके अलावा आई मीन जैसे स्पिरिचुअल ब्रह्मांड जो है, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, उसके अंदर व्याप्त है। तो जो 3 पाद विभूति है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहां सब जगह ब्रह्म ज्योति है, जिसको अटेन करने के लिए योगी जन और ज्ञानी लोग जो हैं वो बहुत तपस्या का मार्ग का अनुशीलन करते हैं। तो 3 स्टेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ, ये श्रीमद् भागवतम का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कि लर्नेड ट्रांसेंडेंटल्स हु नो द एब्सोल्यूट ट्रुथ कॉल दिस नॉन ड्यूअल सब्सटेंस ब्रह्मा परमात्मा एंड भगवान, वदन्ति तत् तत्त्विदस् तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। इसको कैसे समझे, एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने बताया है, जैसे सनलाइट इज ऑल्सो सन बट इट इज नॉट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सन, सन प्लैनेट इज ऑल्सो सन बट स्टिल समथिंग इज मिसिंग, सन गॉड रिप्रेजेंट्स बोथ द सनलाइट एज वेल एज द सन प्लैनेट एंड ऑल्सो द प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ सन, हु इज एक्चुअली द सोल होल इन चार्ज ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट सन हैज टू परफॉर्म। सो सन गॉड, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सन गॉड इज अ पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, कि कोई एक व्यक्ति है जिनका नाम सूर्य देव है, जो अधिष्ठाता देव है इस ग्रह के, और वही सब करता धरता है, उसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग है भगवान की, द पर्सनल फॉर्म ऑफ गॉड इज देयर विच इज ऑल्सो एक्सपैंडेड इन एवरीबडीज हर्ट लाइक परमात्मा,
एंड ऑल्सो प्रिवेलिंग लाइक अ ब्रह्म ज्योति। अब प्रश्न उठता है कि भगवान या परमात्मा, जो भी आप शब्द से बुलाएं, क्या वो साकार है या निराकार है? तो भगवान साकार है या निराकार, ये प्रश्न है मेरा आपसे। प्रश्न है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि भगवान साकार है या निराकार है? बताएं। साकार है ना। ओके, हरि सिंह जी कह रहे हैं बोध। ओके, दोनों है। शीला जी, ओके, दोनों, यस। हु एल्स वांट्स टू से? शुचि मेहता जी, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? साकार है ना। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज भगवान दोनों है, साकार और निराकार। अब जो ऐसे कैसे कि साकार भी है निराकार भी है, क्योंकि हम देखते हैं ईशोपनिषद जिस भक्त ने पढ़ा हुआ है, तो ईशोपनिषद में बहुत क्लियरली ये मेंशन होता है कि परम सत्य जो है साकार और निराकार दोनों है, मगर उन दोनों में से जो तत्व साकार का स्वरूप है वो ही श्रेष्ठ है। भगवान साकार और निराकार दोनों कैसे हैं? क्योंकि अगर भगवान में कोई भी चीज ऐसी है कि उसमें नहीं है, तो वो भगवान हो नहीं सकता। ही हैज टू हैव, बिकॉज इज गॉड, ही हैज टू हैव बोथ द फीचर्स। इफ समबडी इज लैकिंग इन समथिंग, ही कैन नॉट बी कॉल्ड गॉड। दैट्स व्हाट श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन्स देयर इन ईशोपनिषद पर्पस, एंड ही सेज that Bhagwan has his own impersonal form in terms of Brahma Jyoti also, that is his impersonal form, and his personal form which every devotee worships is also there. So Sakar bhi hai aur Nirakar bhi hai Bhagwan ka swaroop. To hum bhakt is baat ko jhutlate nahi hai ki Bhagwan ka ek Nirakar swaroop hai, क्योंकि अगर ऐसा होता तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक में ऐसा लिखा ही क्यों होता कि ब्रह्म भी भगवान का एक स्वरूप है, परम सत्य का एक स्वरूप है। इसीलिए दोनों बातें हैं, मगर अब प्रश्न अर्जुन जो लेकर आएंगे उसको देखते हैं। अर्जुन प्रश्न लेकर आएंगे। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, यानी कि This versus जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से अधिक पूर्ण या सिद्ध किसे माना जाता है? तो भगवान से ही पूछ रहे हैं कि भैया ये दोनों हैं तो आपके के ही फॉर्म, यानी कि एक ऐसा फॉर्म जिसकी जिसकी हम सेवा कर सकते हैं, यानी कि आप स्वयं जो खड़े हैं जिनकी सेवा मैं अर्जुन भी कर रहा हूं, वर्सेस आप ही का अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? और अगर कोई इनमें से, इन दोनों के जो उपासक हैं, उनमें से श्रेष्ठ उपासक कौन है और किसे सिद्ध माना जाएगा, किसे अधिक सिद्ध माना जाएगा? तो प्रश्न यही है कि पर्सनलिस्ट वर्सेस इम्पर्सनलिस्ट, हु इज बेटर? दैट इज द क्वेश्चन विच अर्जुन इज आस्किंग। इस विषय में कई बार लोग अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है लोगों का कि भगवान साकार है या निराकार। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भगवान कृष्ण की पूजा करें या ब्रह्म ज्योति की पूजा करें। तीसरा लोगों का प्रश्न यही होता है कि क्या भगवान को किसी फॉर्म या आकार में कन्फाइन किया जा सकता है, क्योंकि भगवान तो अनंत है। और चौथा कि कौन सा पथ श्रेष्ठ है और फास्टर रिजल्ट देने वाला है एंड बेटर है। तो एसेंशियल टीचिंग्स जो हमारे पूरा ब्रह्मा अध्याय की, अगर हम एक लाइन में एसेंशियल टीचिंग्स देखें, काइंडली पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट एवरीबॉडी। तो जो एसेंशियल टीचिंग्स हैं पूरे 12वें अध्याय की, वो यही है कि अर्जुन का ये प्रश्न पर्सनलिस्ट या इम्पर्सनलिस्ट विच इज बेटर इज आंसर्ड इन दिस चैप्टर, एंड भक्ति इज एस्टैब्लिश्ड एज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ गॉड रियलाइजेशन। देखिए, अर्जुन ने ऐसा ही सिमिलर एक क्वेश्चन पूछा था 6 अध्याय में, जब भगवान कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग डिस्कस कर चुके थे।
भक्ति के बारे में अभी शुरू नहीं किया था, तब भगवान से कृष्ण भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आपके मत में कौन सा सर्वश्रेष्ठ योगी है बताइए। तब भगवान ने 6.47 में ये आंसर दिया था कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतिर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमता। मेरे हिसाब से भक्ति योग करने वाला जो हमेशा तत्पर मुझ मुझ पे मेरे तरफ तत्पर है और भक्ति योग में मेरा मुझे मेरी पूजा करता है वो सबसे अच्छा योगी है मेरे मत के अनुसार। जब भगवान ने ये उत्तर दिया कि भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ योगी है, तब भगवान ने भक्ति योगी के बारे में बताना शुरू किया 7वें अध्याय से लेकर अब 12वें अध्याय तक। 6 अध्याय में भक्ति योग की उसी उसी श्लोक से ये डिस्कशन शुरू हो रहा है। 6.47 से श्लोक से ये डिस्कशन शुरू होते होते अब 12th चैप्टर के एंड तक ये डिस्कशन चल रहा है। 6 चैप्टर इसी पर डेडिकेटेड है, इसी पॉइंट पर। अब इसी इसी पॉइंट को फर्दर एलैबोरेट करके अर्जुन ने पूछा कि अब आप ये बताइए कि निराकार और साकार में क्या श्रेष्ठ है। और यहाँ पर भक्ति को ही फिर से भगवान, जैसे कुछ पिछले अध्यायों में ये डिस्कशन कंटिन्यूड है, बट यहाँ पर कंक्लूड करेंगे कि भक्ति इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ गॉड रियलाइजेशन। दैट इज द एसेंशियल टीचिंग ऑफ चैप्टर 12। अब जब हम इम्पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं गॉड रियलाइजेशन में, यानी कि परम सत्य को जानने में, तो लोगों के क्या क्या भ्रांतियां होती है या क्या क्या उनके मन में ये बातें आती हैं। पहला बात, कई लोग बोलते हैं कि भगवान एक ज्योति के स्वरूप है और हम उस ज्योति में मर्ज हो जाएंगे निर्वाण जब हमें मिल जाएगा, यानी कि ये देह जब हम त्याग देंगे और हम अध्यात्म में बहुत उच्च श्रेणी में पहुंच जाएंगे तो हम निर्वाण प्राप्त करेंगे और हम इस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव आता है जिसमें लोग बोलते हैं, ये थोड़ा सा लिटिल एडवांस्ड इम्पर्सनलिस्ट है, ये बोलते हैं कि भाई भगवान गॉड इज सुप्रीम पावर बट ही कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज कृष्णा, राम, वरह, नरसिंह एक्सेट्रा एज अवतार्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, यानी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो भगवान बोलते हैं कि जब जरूरत होती है तो मैं अवतार लेता हूँ। तो अवतार तो भगवान लेते हैं मगर वो एक्चुअल में सारे अवतारों की जो स्रोत है वो एक परम शक्ति के पुंज है भगवान, जो अनंत है, जो सर्वव्यापी है, जिन्हें जिनका कोई आकार नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं या ऐसा सोच उनकी होती है। अब कई लोगों का इससे भी फर्दर वर्जन है कि गॉड इज बोथ पर्सनल और एंड इम्पर्सनल, बट इम्पर्सनल जो कॉन्सेप्ट है वो बेटर है। क्यों भगवान? क्योंकि अनंत जो है, अनंत भगवान का स्वरूप उनकी शोभा को बहुत बढ़ाता है, क्योंकि वहीं से हम समझ पाते हैं कि भगवान कितने ग्रेट हैं। ही इज ऑल परवेटिंग, ही इज नेवर एंडिंग। ये जो ब्रह्म स्वरूप है वही सबसे बिफिटिंग है भगवान के लिए। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लोग लेते हैं। इन पर्सपेक्टिव्स को कहीं ना कहीं हमने पिछले अपने डिस्कशंस में डिस्कस किया हुआ है, तो अब हम देखते हैं कि इन पर्सपेक्टिव पे भगवान का पर्सपेक्टिव क्या है, यानी व्हाट कृष्णा इज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस एंड व्हाट इज ही गोइंग टू एडवाइस टू अर्जुन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओके, दूसरे ही श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो एक ही लाइन में आंसर है कि पर्सनलिस्ट आर बेस्ट अकॉर्डिंग टू कृष्णा। पर्सनलिस्ट
क्या करते हैं, भगवान के साकार रूप में अपने मन को एकाग्र रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनकी पूजा करता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होते हैं, उनके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाता, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए वो व्यक्ति करता है। कैसे? अब हो सकता है कि एक व्यक्ति बड़ा तपस्वी हो और वो हिमालय में रहता हो और लोग उसकी बहुत क्या कहते हैं ना, समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा हो कि कितना विरक्त है, कितना तपस्वी है, वर्सेस एक भक्त जो भगवान के साकार रूप की पूजा करता है और हमारे आपके जैसे ऑफिस जाता है, सुबह शाम भगवान का पूजन अर्चन करता है, भगवद गीता पढ़ता है, नाम जप करता है और जो भी अपना काम करता है उसे कृष्ण के कृष्ण को अर्पित करता है। तो अगर देखा जाए तो देखने में एक सामाजिक दृष्टि से जो पहला वाला व्यक्ति था वो ज्यादा मे बी ही विल बी मोर ग्लोरिफाइड, बट कृष्णा इज ग्लोरिफाइंग द सेकेंड वन। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, कुछ मंदिर में झाड़ू कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, कभी बर्तन धोता है। वह जो भी कुछ करता है कृष्ण से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता, ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो समाधि सिर्फ ये नहीं है कि हम एक जगह बैठ जाएं और अपनी श्वास जो है उसको एकाग्र कर लें और उसके बाद फिर अपने मन से सिर्फ सोचते रहें कृष्ण के बारे में। यहाँ अर्जुन को भगवान ने कहा कि आप युद्ध कीजिए और युद्ध करते करते मुझे ध्यान कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि हम सबके लिए भी ये पॉसिबल है कि हम अपने रोजमर्रा का जो काम करें, जो हमारे नैतिक हमारे धर्म है उनका पालन करते करते, जैसे अर्जुन ने किया, उनका क्षत्रिय होते हुए जो धर्म था उसका पालन करते करते मन में कृष्ण को, अपने मन और बुद्धि कृष्ण में अर्पित करते हुए, मन से भगवान का चिंतन करते हुए भी अपना काम किया जा सकता है जो दैनिक कार्य है। और वही भगवान कह रहे हैं कि यही पूर्ण समाधि मानी जाएगी। ऐसे ऐसे व्यक्ति को अधिक श्रेष्ठ मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जो भी काम कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने यह कहा कि भक्त इसीलिए श्रेष्ठ है, भले ही ऊपरी दृष्टि से देखने में वो एक नॉर्मल पर्सन की तरीके ही से ही जिंदगी जी रहा है, मगर उसका चित्त, उसका मन जो है वो कृष्ण के विषय में ही लगा हुआ है। जो भी वो कर रहा है, अगर वो खा रहा है तो कृष्ण प्रसाद खा रहा है, अगर वो खाना बना रहा है तो भगवान को अर्पित करने के लिए बना रहा है, अगर वो काम धंधा कर रहा है तो जो भी उससे अर्जित जो धन आ रहा है उसे भी भगवान की सेवा में लगा रहा है किसी ना किसी तरीके से। अपने अगर उसके घर परिवार वाले हैं तो उनको भी भक्ति में लगा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ये निरंतर समाधि में है। क्यों? क्योंकि वो कभी कृष्ण को भूलता ही नहीं है। मगर एक व्यक्ति जो एक जगह बैठा है केवल समाधि में, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो कुछ भी और काम ना करे और केवल भगवान के बारे में ही सोचता रहे, तो उसका मन इधर उधर भटकेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का नेचर है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि द नेचर ऑफ सोल इज टू बी ऑलवेज एक्टिव, क्रियाशील है आत्मा। इसीलिए एक जगह बैठ जाना ये दिस इज अपोज्ड टू द वेरी नेचर ऑफ द सोल। हाउएवर ऐसे लोगों के लिए जो कि बिल्कुल ही भक्ति के भगवत परायण नहीं है, उनके लिए वो वाला मार्ग भी बहुत अच्छा है, मगर उससे श्रेष्ठ ये मार्ग है कि हम जो भी काम करें, हमें एबिलिटी भगवान ने दिए तो हम अपनी उन एबिलिटीज को यूज करें, मगर जो भी काम करें वो कृष्ण विषयक काम करें। भगवान क्या कह रहे हैं कि लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रख के परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, काल्पनीय है, अकल्पनीय है, अप
अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, यानी कि निराकार, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो अंततः वो व्यक्ति भी कृष्ण को प्राप्त करता है, मगर कब करता है अंततः? तो हमने देखा था 7.19 श्लोक था, सातवें अध्याय में किया था। तो भगवान ने कहा था कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्य थे वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद जब कोई व्यक्ति ज्ञान पाता है, ज्ञानवान बनता है, तो उसे ये पता चलता है कि वासुदेव ही, श्री कृष्ण ही सर्वमिति, वही परम सत्य है। फिर वो प्रपद्यते यानी कि उनकी शरण ग्रहण करता है बहुत बहुत जन्मों के बाद। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि वो अंततः मुझे प्राप्त करता है। कब? बहुत जन्म लग सकते हैं, डिपेंड करता है उसे कब समझ में आएगी। क्योंकि जो व्यक्ति इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, हमारे भारत में हिंदू समाज के अंदर बहुत सारे, आप देखेंगे स्पेसिफिकली अगर इफ यू गो टू एनी ऑफ द रिलीजियस मीट्स, जैसे कुंभ मेला इत्यादि में जाते हैं, तो बहुत तरीके के आप संत महात्मा देखते हैं, और उसमें अधिकांश लोग भक्त नहीं होते, अधिकांश लोग जो होते हैं निर्विशेषवादी होते हैं या मिक्स्ड होते हैं, और बहुत जन्मों से वो ऐसे लोग जो है लगे रहते हैं, बड़े तपस्वी होते हैं और वो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। जो भी भगवान की निराकार पूजा, निराकार स्वरूप को मानते हैं, जनरली ये ज्ञान योग के पथ वाले योगी होते हैं, और इनके लिए जरूरी ये होता है ज्ञान योग के अनुशीलन में कि ये त्याग और तपस्या के पथ पर चलें। तो अपने घर बार के साथ रहते नहीं है, ऑस्टेरिटीज या तपस्या में हमेशा विलग्न रहते हैं, और साथ ही साथ दे हैव टू, उन्हें ज्ञान का अनुशीलन करना होता है, बहुत वेद शास्त्र पढ़ने होते हैं, ताकि वो उस कंक्लूजन पे आ सके कि कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। और फिर वो किसी ना किसी जन्म में जब वो इस बात से कन्विंस्ड हो जाते हैं, जब भगवान के साकार चेतना में वो कन्विंस्ड हो जाते हैं, तब वो भगवान को सरेंडर करते हैं, देन दे टेक अप टू द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति को लेते हैं। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि वे भी अंततः कृष्ण को प्राप्त होते हैं, मगर अनेक जन्मों के बाद। तो अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। तो भगवान ये, ही इज रेफरिंग टू द श्लोक 7.19 व्हिच वी जस्ट रेड। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है कि वह कृष्ण की शरण, तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचना चाहता है तो उसे क्या करना होता है, यानी कि इम्पर्सनल पाथ को अगर कोई करना चाहता है तो उसे क्या करना होता है, उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू डू कंप्लीट सेंस कंट्रोल। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत रहना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने से पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है इम्पर्सनलिस्ट मार्ग पे, यानी कि निर्विशेषवादी को। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है, यानी कि he has to take संन्यास। सुनना, स्वाद लेना का मतलब है ही कि जो इस तपस्या के मार्ग पे चलते हैं, इन निर्विशेषवादी होते हैं, जो अभी तो बहुत सारे मिक्सअप चीजें आ गई है, मगर ट्रेडिशनली जो ज्ञान का पथ है उसमें इंद्रिय निग्रह के ऊपर यानी कि सेंस कंट्रोल पे बहुत ज्यादा जोर था, तपस्या पे बहुत ज्यादा जोर था। तो तभी वह ये जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है। तो ये ज्ञानी व्यक्ति है जो समझ जाता है अपने ज्ञान के अनुशीलन से कि हर कोई जो है वास्तव में आत्मा के स्तर पे है, चाहे हमारे शरीर अलग अलग भी क्यों ना दिखे, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। तो सामान्य व्यक्ति तो अब घर बार छोड़ ही नहीं सकता, तो इस पथ का अनुशीलन क्या करेगा। और भगवान भी इस बात को ये कह रहे हैं अगले श्लोक में कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो बहुत मुश्किल है उस क्षेत्र में प्रगति करना, और साकार की पूजा करना बहुत आसान है, क्योंकि इंद्रियों को ही तो लगाना होता है, इंद्रियां तो ऑलरेडी कार्यशील है, कुछ खाना तो है ही, तो खाना है तो अपने आप को प्योरिफाई भी कर सकते हैं, कैसे, कृष्ण प्रसाद खा के।
कुछ काम करना ही है तो अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं, उस काम में भगवान की चेतना रखते हुए, कर्म के जो फल हैं उन्हें भगवान को अर्पित करते हुए। घर गृहस्थी बसानी है तो बसा सकते हैं, कैसे, अपने घर के जो लोग हैं उन्हें भी भगवान को उसी रास्ते पर लगाकर। तो काम वही है मगर कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए क्रियाशील रहना ये स्वाभाविक है। और इसीलिए जब हम साकार की पूजा करते हैं तो भगवान के लिए कुछ बनाना, उनकी सेवा करना, हाथों से आरती करना, फूल चयन करना, तुलसी अर्पित करना, ये सब क्रियाएं हैं। दिखने में भौतिक लगती है मगर ये हैं आध्यात्मिक क्रियाएं, और इसीलिए बहुत ही प्रभावशाली भी होती है और साथ ही साथ बहुत इजी होता है साकार की पूजा कर पाना। प्रभा जी यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उस लक्ष्य तक पहुंचाता है, यानी कि भगवान तक, किंतु ये अत्यंत कष्टकारक है, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारियों के लिए स्वाभाविक भी है, क्योंकि देहधारी हमेशा कुछ ना कुछ काम करेगा ही करेगा। आगे कहते हैं कि जो आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए जो निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए मार्ग कठिन होता है, क्योंकि उन्हें उपनिषद जैसे वैदिक साहित्यों के माध्यम से अव्यक्त रूप को समझना होता है, उनकी भाषा सीखनी होती है, यानी कि यूजली ज्ञान के पथ में संस्कृत जो है बहुत असेंशियल हो जाती है ज्ञान योगियों के लिए। इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है, यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावना भावित वर्सेस साकार की पूजा वाले को क्या करना होता है, कृष्ण भावनामृत में भक्ति रत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, यानी कि भगवान के जो अर्चा विग्रह जिन्हें हम मूर्तियां कहते हैं, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा और मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ जाता है। देखिए इसमें से कोई भी विधि जो है मुश्किल नहीं है, केवल हमें जो हमारे आचार्य हैं उनसे भगवान के विषय में सुनना है और कोई अलग बात नहीं है। ये सदियों से हम अपने बड़े बुजुर्गों को भी देखते आए हैं कि मंदिर जाना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान के ग्रंथ जो है उन्हें पढ़ना, भगवान के विषय में सुनना और घर में भोग लगाकर खाना, ये कितनी सरल विधियां हैं। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है, कि मिलेंगे भगवान नहीं मिलेंगे ये भी पता नहीं उसे। मगर यहाँ सगुणवादी जो है वो बिना किसी संकट कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधा पहुंच जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि जो लोग अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। यानी कि उसका तो शीघ्र उद्धार हो जाएगा एज अपोज टू कि कोई मेरे अव्यक्त रूप का चिंतन करे तो उसका शीघ्र उद्धार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना बहु नाम जन्म नाम अंते, उसको तो पता चलेगा कि वासुदेवम सर्वमिति है, फिर तो वो इस पथ पर आएगा तब तो उसे कृष्ण मिलेंगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो साकार में मेरी पूजा कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, अपने चित्त को मुझ में लगा रहा है, निरंतर मेरा ध्यान कर रहा है, तो उसके लिए मैं शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूं, जल्दी मिल जाएगा गंतव्य अपना। यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा स्वीकार करनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम कृष्ण की इस दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण की सेवा में नहीं लगा हुआ, यानी कि भगवान की सेवा किसी न किसी रूप में नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, इमिजिएटली उसे माया की ही सेवा करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम कृष्ण से अपने आप को संपर्क में नहीं रखते तो उनकी माया शक्ति हमें अपने संपर्क में रखती है। तो हमारे पास चॉइस यही है कि कृष्ण के पास रहें या माया के पास रहें, हर व्यक्ति के पास ये चॉइस है। यहाँ वरहा पुराण का एक श्लोक जो है
प्रभुपाद जी उद्धृत करते हैं और बहुत ही सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि इस श्लोक में कहते हैं कि वैकुंठ लोक में आत्मा से में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है, इसका भार स्वयं भगवान अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं वराह पुराण के श्लोक में कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता है जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, अभी तो भगवान अपने अनुग्रह वश स्वयं ही अपने गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल यही दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि कितना भी कोई कुशल तैराक क्यों ना हो, कितना भी प्रयत्न करे, मगर अगर बहुत बड़े समुद्र में गिर जाए तो कब बच नहीं सकता। ही मे बी द बेस्ट स्विमर बट ही कांट स्विम एन ओशन। सिमिलरली इस भवसागर की अगर हम बात करें तो भवसागर से निकलना तो बहुत ही दुष्कर है। कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, भवसागर से खुद नहीं निकल सकता। तो भगवान ही हेल्प करते हैं। और किसकी हेल्प करते हैं, यहाँ भगवान खुद बताए हैं कि खुद वो उसी का उद्धार करते हैं, खुद से आते हैं उसी के लिए हैं जो कि भक्ति के मार्ग में हो। और दोबारा से एक एक दो और श्लोक जो है प्रभुपाद जी ने बताए हैं, तो नारायणी में इसकी पुष्टि की है कि मनुष्य को चाहिए कि वे ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है उस वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है जो अन्य योग विधियों चिंतन अनुष्ठानों यज्ञों दान पुण्यों द्वारा प्राप्त होने वाली है। भक्ति का यह विशेष वरदान है। क्या वरदान है भक्ति का कि कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, केवल यू सरेंडर टू कृष्णा, एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ। जस्ट लाइक जब एक छोटा बच्चा होता है वो सरेंडर होता है कंप्लीटली, अपने माँ बाप को ही अपना सब कुछ मानता है कि मेरी ये ही रक्षा करेंगे, पूरी तरीके से आश्वस्त होता है कि मेरे माँ बाप मेरी रक्षा करेंगे और माँ बाप भी उतनी तत्परता से उसका पालन करते हैं। छोटा बच्चा जो होता है पूर्ण आश्रित होता है, तो माता पिता एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते। जैसे जैसे बच्चा अपना इंडिपेंडेंट होता है चला जाता है तो माता पिता सोचते हैं ठीक है अब लेट हिम गो ना। सो हमें वैसे ही छोटे बच्चे की तरह भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित अपना चिंतन रखना होगा कि कृष्ण मेरे मेरे सहायक हैं, कृष्ण ही मेरे पालक हैं। ऐसी जब हमारी चेतना आ जाती है तो कृष्ण भी फिर उसी तरीके से हमारे साथ बिहेव करते हैं। हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो मेरा जिस प्रकार चिंतन करता है मैं भी उतनी ही उसी प्रकार से उतने ही वेग से उसका चिंतन करता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म को का चिंतन करता है, अव्यक्त रूप पे जाता है, उसकी पूजा करता है, तो भगवान भी उसके लिए अव्यक्त ही बने रहते हैं। और कोई भगवान के साकार रूप पे जाता है और बहुत ही तत्परता से भगवान की भक्ति में लगता है तो भगवान भी तत्परता से उसके कार्य साधने लग जाते हैं। तो प्रभुपाद यह कहते हैं कि केवल कृष्ण के पवित्र नाम यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि यानी कि जो ऊपर लिखी गई है यज्ञ अनुष्ठान चिंतन इत्यादि दान पुण्य से उसके द्वारा नहीं पाया जा सकता। और कृष्ण इस बात को पहले भी बोल चुके हैं, 11वें अध्याय के लास्ट श्लोक में कृष्ण ने कहा था कि मेरे इस द्विभुज रूप को आप देख जिसको आप देख रहे हो ये परम दुर्लभ है और किसी भी और विधि यानी कि यज्ञ ज्ञान ध्यान इत्यादि से इस तपस्या से इस रूप का दर्शन नहीं हो सकता, मगर इसका दर्शन केवल भक्तों के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इस बात को बार बार जो है कृष्ण स्थापित कर रहे हैं। और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समाज में हालांकि भगवद गीता है, हजारों आध्यात्मवादी भगवद गीता पढ़ते हैं, हिंदू समाज में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, फिर भी अधिकांश लोग इस बात को नहीं जान पाते कि साकार ही जो है वो परम सत्य है। इस बात को स्थापित करने में प्रभुपाद जी ने बहुत समय लगाया क्योंकि लोग जो है पर्सनलिस्ट नहीं बन पाते। इसीलिए भगवद गीता के इस कंक्लूजन को हम सबको समझना चाहिए एंड वी शुड टेक इट अप सीरियसली। तो ये वही है भव सागर से कृष्ण जो है स्वयं कैसे लेने आएंगे, उसका बड़ा अच्छा पिक्चराइजेशन है।
So we can think for ourselves, we can aspire to be here also. पार्ट टू पे चलते हैं. प्रोग्रेसिव स्टेजेस क्या है भक्ति की. अब प्रोग्रेसिव स्टेजेस भगवान बताना शुरू करेंगे कि किस किस स्टेज में कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है. यानी कि अगर कोई बोले कि भक्ति, अच्छा ठीक है आपने बोला कि भक्ति तो परम है, मगर ये भक्ति होती क्या है. टू हैव सम इमोशंस फॉर कृष्णा. हाँ हमने घर में एक भगवान के मूर्ति भी रख ली है, हम भोग भी लगाते हैं, थोड़ा बहुत आरती भी कर देते हैं, तो क्या यही भक्ति है या इसमें भी कुछ और आगे बढ़ना होता है, क्या कुछ इस पथ में और टेक्निकलिटी है जिसको हमें सीखना है. तो टेक्निकलिटी बहुत है भक्ति का जो पथ है उसमें भी, बहुत आगे फिलॉसफी है, दर्शन है कि किस प्रकार से इस पथ में आगे क्रमशः सीढ़ियां चढ़ती चली जाती हैं. तो 9 स्टेजेस होती हैं भक्ति में पूर्णता प्राप्त करने के लिए. पहली होती है श्रद्धा. श्रद्धा के बाद होता है साधु संघ. जब श्रद्धा होती है तो व्यक्ति साधु संघ करता है. साधु संघ का मतलब क्या है. साधु संघ डजंट मीन दैट वी हैव टू गो एंड वी जस्ट हैव टू क्लैप हैंड्स एंड डू सम कीर्तन एंड ऐसी जगह पे जाना जहां पे सब लोग जो है सिर्फ गा रहे हो या मंदिर में जाके घंटी बजा देना. दिस इज नॉट जस्ट साधु संघ. साधु संघ इज एक्चुअली व्हेन पीपल डिस्कस अबाउट कृष्णा. दैट इज साधु संघ. व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ कृष्णा एंड अप्लाई देम इन आवर लाइव्स, दैट इज रियल साधु संघ, बिकॉज दैट लीड्स टू चेंज इन आवर हार्ट. तो भक्ति में सबसे पहले जो है श्रद्धा, उसके बाद साधु संघ. जब साधु संघ मिलता है तो भजन क्रिया, तीसरी स्टेज शुरू होती है. भजन क्रिया जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर, भजन क्रिया मतलब भक्ति की सारी गतिविधियों, जो भक्ति के जो मार्ग में सारे नियम है उनको पालन करना. कौन कौन से नियम है, तो बेसिक नियम जो है वो ये है कि भगवान का श्रवण कीर्तन करना, भगवान की अर्चना पूजा करना. श्रवण कीर्तन का मतलब क्या है, श्रवण कीर्तन का मतलब है कि नाम जप करना और भगवत गीता भागवतम, जो भगवान की भक्ति परायण जो शास्त्र है उनका अध्ययन करना, उनको उनका पाठ करना, उनको उनके ऊपर मनन करना, चिंतन करना, ये है श्रवण कीर्तन. और कीर्तन भी करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी किया जा सकता है. उसके बाद फिर ध्यान करना भगवान का, जो हमने 9 नवदा भक्ति की चर्चा पहले भी की है. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति की प्राइमरी विधियां हैं. इनका अनुशीलन करना अपने लाइफ के अंदर कैसे एवरीडे कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हम जल्दी उठें और अपना नाम जप करें, नहा धो के भगवान की सेवा पूजा करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें. जो भी हम खाएं भगवान को प्रसाद, भगवान का प्रसाद खाएं और ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करने की कोशिश करें और ग्रंथों का पाठन पठन पाठन करें. ये हमारा एक लाइफस्टाइल के अंदर धीरे धीरे एम्बेड हम इस चीजों को अपना कर लें ताकि हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा भगवत परायण रह सके. तो ये इन शॉर्ट भक्ति का प्रोसेस होता है. मगर इसमें भी धीरे धीरे क्रमशः विकास होता है. कैसे, जैसे हमने बताया कि पहले हम श्रद्धावान व्यक्ति साधु संघ करता है, उसके बाद भजन क्रिया करता है. भजन क्रिया हमने बताई नवदा भक्ति है. उसके बाद फिर उसका होता क्या है, हृदय साफ होने लगता है. अनर्थ निवृत्ति कहते हैं इसे. अनर्थ निवृत्ति जब होती है, यानी कि हृदय के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बैठे हुए हैं वो जैसे जैसे खत्म होते हैं, तो उसके बाद व्यक्ति में निष्ठा का स्तर आता है. निष्ठा ऐसी स्तर है जिसके ऊपर आत्म, निष्ठा का स्तर मतलब आत्म साक्षात्कार हो जाता है व्यक्ति को. अभी भगवत साक्षात्कार नहीं होता मगर आत्म साक्षात्कार हो जाता है. तो निष्ठा के बाद फिर रुचि और आसक्ति आती है. रुचि होने लग जाती है भगवान की विषयों में और आसक्ति हो जाती है भगवान से. आसक्ति के बाद फिर भाव और प्रेम की स्थिति आती है जिस पर भगवत साक्षात्कार होता है. तो ये हम बोलते हैं जी हमें भी तो रुचि है, देखिए हम तो क्लास अटेंड कर रहे हैं और हम भगवद गीता भी पढ़ते हैं, हम नाम जप भी करते हैं, यानी कि हम वी आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी. तो ये रुचि वो रुचि नहीं है. ऐसी रुचि कि एक क्षण भी किसी और चीज में रुचि ना हो, सिर्फ इसी में रुचि हो, तो वो बहुत आगे की स्टेज है. आत्म साक्षात्कार के बाद की स्टेज है जब हमें
रुचि आती है, स्वाभाविक रूप से भगवान के बारे में हम चिंतन करते हैं और कुछ भी मन सोचता नहीं है, मन पूरी तरीके से भगवान में ही व्याप्त होता है। तो ये एक एडवांस स्टेज ऑफ भक्ति योग है। इनिशियली हम लोग जब भक्ति योग के स्टेज पर आते हैं तो श्रद्धावान हम होते हैं, साधु संग हम करते हैं और तो साथ ही साथ भजन क्रिया होने लग जाती है। भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति पैरेलली चलने लग जाते हैं। अब जितने प्रपोर्शन में भजन क्रिया होएगी उतने प्रपोर्शन में हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा भक्ति के क्रियाओं का अनुशीलन होता है जब, तो फिर धीरे धीरे उतनी ही तीव्रता से हमारे अनर्थों की का शमन होने लग जाता है। दिस प्रोसेस इज द लॉन्गेस्ट स्टेज इन द पाथ ऑफ भक्ति बिकॉज इट मे टेक इवन फ्यू लाइफ टाइम्स, इट मे ऑल्सो हैपन इन फ्यू ईयर्स, इट मे ऑल्सो हैपन इन फ्यू मंथ्स, जैसे कि ध्रुव महाराज के साथ हुआ। उन्होंने भक्ति नारद मुनि के वो शिष्य बने और उन्होंने इन्हें भक्ति का पथ बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया तो इसके श्रवण और इसका इसी का ही मनन और भगवान विष्णु पर ध्यान उन्होंने किया। तो उन्होंने बेसिकली श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम तीन विधियों का पालन किया था और 6 महीने में ही उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई थी। तो नाउ दिस डिपेंड्स ऑन अवर एंड्योर। तो भक्ति में इस प्रकार से क्रमशः विकास होता है। तो अब क्या स्टेजेस रहेंगी इनको देखते हैं, भगवान कैसे ये स्टेजेस बताते हैं। ये स्टेजेस को मैंने यहाँ थोड़ा सा एनालिटिकली प्रेजेंट किया है ताकि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। वर्स 8 में, श्लोक नंबर 8 में भगवान बताएंगे कि सबसे पहली जो सबसे ऊंची स्थिति है भक्ति में, वो स्थिति है जिसमें पूरी तरीके से व्यक्ति का मन भगवान में फिक्स हो जाता है। पूरी तरीके से मन और कुछ सोचता ही नहीं। जैसे अभी हमारे लिए स्वाभाविक है कि हम मन से अपने बारे में सोचते हैं या अपने से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं या अपने काम के बारे में सोचते हैं या अपने शरीर के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, स्वयं पर पूरी चेतना, अहम और ममेति कहते हैं। अहम मतलब मैं और मम इति मेरा, मैं और मेरा पे जो चेतना अभी हमारी केंद्रित है वो पूरी तरीके से कृष्ण परायण जब हो जाती है वो भक्ति की चरम सीमा है। ये फर्स्ट या टॉप मोस्ट स्टेज है। अब ये जो स्टेजेस हैं ये प्रोग्रेसिवली नहीं मतलब इन्हें भगवान ने डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया है। तो फर्स्ट स्टेज या टॉप मोस्ट स्टेज इज दिस। सेकेंडली कृष्णा इज डिस्क्राइबिंग दैट स्टेज जिसमें व्यक्ति का मन अभी पूरी तरीके से भगवत परायण नहीं हुआ है मगर वो चाहता है भगवान को पाना, तो भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करना शुरू करता है और भक्ति के जो भी डूज एंड डोंट्स हैं उन्हें फॉलो करना शुरू करता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? डूज इज चैंट हरे कृष्णा, डोंट्स इज दैट डोंट इंडल्ज इन एनी सिंफुल एक्ट्स। इसके ऊपर ये सेकंड स्टेज है यानी कि लास्ट बट वन। अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो कृष्ण कहते हैं कि वर्क फॉर कृष्णा इन हिज कॉन्शियसनेस, डिस्कस करेंगे अभी। अगर कोई इस स्टेज पे भी नहीं है तो इससे लोअर स्टेज है कर्मयोग यानी कि निष्काम कर्मयोग का पालन। अगर उस पे भी नहीं है तो उससे नीचे ज्ञान के पथ का अनुशीलन है। तो ये 5 स्टेजेस है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब भगवद गीता से इसको पढ़ते हैं। पहली स्टेज थी जिसमें मन और बुद्धि केवल कृष्ण परायण है। तो फर्स्ट स्टेज, मुझ भगवान में अपने चित्त को सिद्ध करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह सदैव मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि पहले स्टेज तो यह कि भैया चित्त और कहीं जाए नहीं, बुद्धि और कहीं जाए नहीं, केवल भगवत परायण बुद्धि और चित्त हमारा हो। ऐसे रहेंगे तो हमेशा कृष्ण में ही वास करेंगे यानी कि हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे, विल नेवर थिंक अबाउट एनीवन एल्स। ये भक्ति की चरम सीमा है जब पूरी तरीके से हमारा मन जो है हमारे कंट्रोल में है। और कई बार लोग सोचते हैं कि भक्ति की चरम सीमा वैसी है जैसे ज्ञान की परम सीमा, कि भाई ऐसा योगी बने हम कि हमारा मन कहीं और ना जाए, पूरे मेरे वश में होना चाहिए मन मेरा, यही परिकाष्ठा होगी, दिस इज द एपिटॉमी। बट दिस इज नॉट द एपिटॉमी।
मन को अपने वश में करके हम करेंगे क्या? मन को वश में तो कई लोगों, कई योगियों ने करने की कोशिश की, मगर फिर मन भाग जाता है। एग्जाम्पल, विश्वामित्र जी ने बहुत सालों तक तपस्या की मन को केंद्रित करने के लिए, मन वश में आ भी गया, मगर उसके बाद दो बार उनका, तीन बार उनका फॉल डाउन हुआ। कैसे हुआ? पहला फॉल डाउन उनका हुआ मेनका के द्वारा। उसके बाद फिर जब वो काम में आसक्त हो गए, तो उसके बाद उन्हें याद आया कि अरे मेरी तो तपस्या थी, फिर वापस से तपस्या में हजारों साल जुटे। उसके बाद फिर से उन्हें प्रलोभन देने के लिए रंभा को भेजा गया। अब वो बड़े सचेत थे कि काम में मुझे नहीं फंसना, मन को इसमें नहीं घुसाना है। तो रंभा को उन्होंने जो है एक कर्ज दिया, और वहीं पे पाषाण बन गई। उसके बाद फिर जो है, अब पाषाण तो बन गई, अब मगर अब आ गया विश्वामित्र जी को क्रोध, तो क्रोध की वजह से तपस्या का बल चला गया। अब पूरी तरीके से मन फिर से गया, जो तपस्या का फल था क्रोध ने ले लिया। अब वो जब तक राम जी के भक्त नहीं बने, भगवान राम के परायण नहीं हुए, भक्ति के परायण नहीं हुए, तब तक विश्वामित्र जो है वो उस स्तर पर नहीं जाने जा पाए भक्त के रूप में, जब तक कि वो भगवान श्री राम की शरण नहीं ग्रहण किए। तो जब तक वो भक्ति की शरण नहीं ग्रहण किए, तब तक वो मन को पूरी तरीके से साध नहीं पाए। वर्सेस बहुत सारे हम देखते हैं भक्तों के चरित्र में कि कितने भी उनको प्रलोभन जो है दिए जाए, काम के या विचलित होने के, मगर वो विचलित नहीं होते और हमेशा भक्त भक्ति परायण रहते हैं। जैसे कि प्रहलाद, प्रहलाद के चरित्र में हम देखें कि पूरा उनको मारने का उनके पिताजी उनके पीछे पड़े हुए थे, मगर क्योंकि उन्हें भक्ति परायण थे और विष्णु स्मरण उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान जो है उनकी रक्षा करने में हमेशा तत्पर रहे और वो कभी विचलित भी नहीं हुए कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है या मेरी रक्षा जो है उसके लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं की अपनी रक्षा के लिए, भगवान स्वतः ही उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर खुद ही रहते थे। तो ये बहुत हाई स्टेज है जिसमें, या कहें कि हाईएस्ट स्टेज है जिसमें केवल मन और बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो इतनी उन्नत हो चुकी है कि वो केवल कृष्ण के विषय के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती। अब ऐसी स्थिति, ये बहुत ऊंची स्थिति है, ये उस कंपेयर टू कि हमारे वो माइंड कंट्रोल, माइंड कंट्रोल इज अ वेरी सुपरफिशियल थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली द माइंड इज गोइंग टू रन द मोमेंट यू आर अनकॉन्शियस इन कंट्रोलिंग इट। वर्सेस अगर किसी का चित्त और बुद्धि भगवान में स्थित है, तो उसके मन पे कितने भी प्रलोभन दिए जाए, वो मन का नेचर ही बन गया है कि अब मुझे कृष्ण के अलावा किसी विषय में सोचना ही नहीं है। तो ऐसे पर्सन को माइंड कंट्रोल की जरूरत नहीं होती, ऐसे पर्सन को, पर्सन का नेचर, उसके माइंड हैज बिकम हिज फ्रेंड, ही इज नॉट गोइंग, द माइंड इज नॉट गोइंग टू टेक हिम अवे फ्रॉम कृष्णा, इस संसार में नहीं लगेगा। अब सेकंड स्टेज, भगवान ने कहा कि भाई अगर ये नहीं कर सकते तो आप क्या करें, यहाँ पे नहीं हो तो क्या करो। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव में मुझ पर स्थित नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, होगा क्या उससे, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। नाउ यू विल वॉन्ट टू अटेन मी। जब भक्ति योग का पालन, जिसको हम अभी पालन कर रहे हैं, जिस स्टेज पे हम हैं, यानी कि हमने किसी ना किसी रूप में भगवद गीता को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आप में से सज्जन व्यक्ति जो है उन्होंने और जप करना शुरू किया है, भगवान के बातों को समझना शुरू किया है, तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान, भगवान ने जो भक्ति योग में विधि विधान है उन्हीं का पालन हम कर रहे हैं, तो हम इस स्टेज पर हम आ गए हैं। इससे होगा क्या कि हम, हमारी जो ऑलरेडी एक चाह है, एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की जो चाह है, वो बढ़ती चली जाएगी एंड इवेंचुअली वी विल रीच टू द फर्स्ट स्टेज। अब अगर ये भी कोई नहीं कर सकता तो क्या करें,
तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को पूर्ण अवस्था यानी कि सिद्धि को तुम प्राप्त होगे। यानी कि अगर वो नहीं कर सकते तो थर्ड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म करो को प्रभुपाद जी यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि हर काम में जो है वी नीड मैन मटीरियल एंड मनी और सम और दी अदर हेल्प। तो अगर हम कहीं ना अगर हम कृष्ण भावना का प्रचार भी करते हैं, हम कोई प्रचार जैसे इस्कॉन कर रहा है तो या कोई और संस्था भी कर रही है जो भी भगवान के बारे में बता रहा है दुनिया को, तो उसकी हेल्प करो किसी भी किसी प्रकार से, या तो पूंजी दे दो या कुछ श्रम करो, तन मन धन किसी भी रूप से अगर आप उसकी हेल्प कर सकते तो भगवान के लिए कुछ काम करो। समहा और दी अदर हेल्प दोज हु आर हेल्पिंग अदर्स टू डेवलप देयर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो अगर आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, भगवान के भक्ति में नहीं लगे हो, तो ऐसे लोगों की हेल्प करो जो भक्ति में लगे हुए हैं, या ऐसे कॉज की हेल्प करो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, किंतु यदि तुम मेरे भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फल को त्याग कर कर्म करने तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो भगवान बोले अगर तुम वो भी नहीं कर सकते, देन अगर तुम स्पिरिचुअल कॉज के लिए वर्क नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कर्म फलों को त्यागो, यानी कि निष्काम कर्मयोग का पालन करो। क्यों? क्योंकि जब आप निष्काम कर्मयोग का पालन करोगे तो उसके बाद आप ये समझ पाओगे, धीरे धीरे आप में ये रियलाइजेशन होगी कि कर्म इस संसार में बांधने के लिए है और मुझे कर्म बंधन से निकलने के लिए भक्ति योग का पालन करना चाहिए। अब ये जो निष्काम लोग बहुत तरीके से निष्काम काम करते हैं, कैसे? प्रभुपाद जी यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई अस्पताल या सामाजिक संस्था को दान देता है, यानी कि ऑर्फनेजेस को देता है या गरीबों को दान देता है, तो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हार्ड अर्न्ड वेल्थ फॉर सम सम काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट। तो जैसे अलग अलग यज्ञ हैं, ये पुण्य काम है जो शास्त्र में लिखे हैं, तो ऐसे कामों को करने का प्रयास करने चाहिए। और कह रहे हैं कि ऐसे स्टेज में जो ये वाली स्टेज है इसमें अगर कोई राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा या कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटी, कोई समाज सुधार करता है, वो सभी लोग इस श्रेणी में आते हैं। दे आर द फोर्थ बेस्ट अकॉर्डिंग टू कृष्णा। अब फिफ्थ बेस्ट क्या है भाई? अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप क्या करें? यदि तुम इसका अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। तो ज्ञान के अनुशीलन है मतलब ये रियलाइज करो किसी तरीके से कि तुम ये शरीर नहीं हो, ज्ञान का अनुशीलन करो ताकि तुम में ये ज्ञान हो कि मुझे और कर्मों के बारे में ज्ञान अर्जित करो, आत्मा के बारे में ज्ञान अर्जित करो। तो जब ज्ञान का अनुशीलन करोगे तो धीरे धीरे चित्त शुद्ध होने लगेगा। अब यहाँ कंक्लूड करते हुए भगवान कहते हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे फाइव प्रोग्रेसिव स्टेजेस भगवान ने बताई हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि संक्षिप्त सर्वोच्च लक्ष्य या भगवान को पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास यानी कि यू गो ग्रेजुअली, एंड दूसरी है प्रत्यक्ष विधि यानी कि अभी आइए और नाम जप शुरू करिए, भगवत गीता पढ़िए, भगवान का चिंतन मनन करिए, पूजा करिए, मंदिर जाइए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए, ये प्रत्यक्ष विधि है। तो कृष्ण भावनामृत में भक्ति जो है वो प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधियों के कर्मों का फल का त्याग करना होता है तभी मनुष्य ज्ञान के तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। इसके बाद ध्यान की अवस्था और फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आती है। तो हम क्रमशः भी जा सकते हैं, मगर क्यों क्रमशः जाएं, भगवान ने तो सलाह दी है यहाँ पे, अल्टीमेटली जब नंबर वन उसी को बताया भगवान ने, तो वहीं पे क्यों ना जाएं। तो एक्चुअली तो कृष्णा इज गिविंग ऑल अल्टरनेटिव्स, बट ही इज एक्चुअली वॉन्टिंग एवरीबडी टू कम टू स्ट्रेट टू द पॉइंट ऑफ भक्ति। तो पूरा भगवद गीता का स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से है,
भगवत गीता का स्ट्रक्चर जो है वो यही है कि भगवान ने हर चीज बताई है भगवत गीता में, सारे प्रकार के योग पद्धति बता दी, पर्सनलिस्ट इम्पर्सनलिस्ट सब बता दी, कि एवरी काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज देयर, बट अल्टीमेटली आई वॉन्ट यू टू डू वट, सरेंडर। अल्टीमेटली 18वें अध्याय में भगवान जाके बताएंगे कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़ दो। कौन से धर्म? भगवान ने ये नहीं कहा कि अधर्मों को छोड़ दो, अधर्मों को तो छोड़ना ही है, मगर उसके बाद जो हमने अपने धर्म बना लिए कि अजी मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे यही करना चाहिए, मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे यही करना चाहिए, मैं स्त्री हूं तो मेरा तो धर्म सिर्फ पति सेवा है, तो ऐसे सब लोअर धर्मों को छोड़ के हाईएस्ट धर्म पे आइए, और हाईएस्ट धर्म में भगवान की भक्ति में भगवान की शरण ग्रहण करना। ये बात अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे 1866 में भगवत गीता की। अब थर्ड सेक्शन पर आते हैं कि क्वालिटीज दैट इंडियर वन टू कृष्णा, कौन सी क्वालिटीज भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त, मुझे कौन सा भक्त सबसे प्रिय है, ऐसे भक्त जो मुझे प्रिय, या फिर ऐसे भक्त जो मेरे प्रिय बनना चाहते हैं, यानी कि हम सभी भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, तो कैसी क्वालिटीज हमें होनी चाहिए, कृष्णा इज गोइंग टू डिस्क्राइब दैट। मगर कॉन्सेप्ट क्या है उन सभी क्वालिटीज का, कॉन्सेप्ट भगवान यही बताएंगे कि जिसमें भक्ति है द बेस्ट क्वालिटी विच ही इज गोइंग टू डिस्क्राइब, ही इज गोइंग टू डिस्क्राइब अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, बट एट द एंड ही इज गोइंग टू से दैट अल्टीमेटली भक्ति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी that attracts me and all other qualities are but a manifestation of that root quality called bhakti। इसी concept को हम श्रीमद् भागवतम के श्लोक से हम बता रहे हैं कि ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवतम का, कि यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वेर गुणे तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणात् मनोरथे ना सती धावतो बही। कहते हैं कि जो भक्ति के पथ पर है उसमें सर्वे गुणे, जितने भी गुण हैं, किनके, सुरा यानी कि डेमिगॉड्स, देवताओं के जो दैवी गुण हैं वो सारे आने लग जाते हैं ऐसे व्यक्ति में जो कि भगवत भक्ति करने में तत्पर होता है। और एज अपोज टू अभक्त, अगर कोई अभक्त है, हरि के अभक्त है, यानी कि हरि का भक्त नहीं है, तो उसमें कितने भी गुण क्यों ना हो, महद गुणांत भी क्यों ना हो, हमें दिखे कि वो बहुत रिच है, ही मे बी वेरी प्रोफिशिएंट स्पीकर, ही मे बी लर्नेड, बट बिकॉज ही इज स्टिल होवरिंग एट द मेंटल प्लेटफॉर्म, अल्टीमेटली दैट गुण, वो गुण उसे कहीं नहीं लेके जाने वाले। तो भगवान आगे देखते हैं कौन कौन से, हम लोग देखेंगे कौन कौन से गुण भगवान बता रहे हैं। तो पहले ही भगवान कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता है, तो अपने को स्वामी नहीं मानता तो किसको स्वामी मानता है, कृष्ण को हर चीज का स्वामी मानता है। तो ऐसा व्यक्ति, आई डोंट नो व्हाई द हाइलाइटर इज नॉट वर्किंग नाउ, बट ओके। तो ऐसे गुण भगवान को अति प्रिय हैं। एक गुण जो बार बार भगवान बताएंगे वो है इक्वेनिमिटी का गुण, इक्वेनिमिटी यानी कि समता, सुख दुख जय पराजय अच्छे बुरे में सम रहना। सम वही रह सकता है जो भगवत परायण है, जो जानता है कि कृष्ण मेरे पालक हैं। नथिंग इज गोइंग टू हैपन, आई एम नॉट इन एनी डेंजर, कम व्हाट मे बी द सिचुएशन ऑफ लाइफ, Krishna is going to take care of me. Only that person who has complete faith in God, only that person can remain equipoised. उस एक क्वालिटी को बार बार भगवान बताएंगे। तो जो सुख दुख में संभाव रखता है, सहिष्णु है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मसंयमी है, अपने निश्चय के साथ मन और बुद्धि मुझमें स्थित करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और अगले श्लोक में भी कहते हैं कि जो सुख दुख में भय और चिंता में संभाव रखता है मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर कहते हैं कि जो किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है, इसका मतलब वो जानता है कि इफ आई डू माय वर्क कृष्णा इज गोइंग टू रिवॉर्ड मी, और कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो उसे भक्ति से विमुख कर दे।
ऐसे किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है जो उसे भक्ति विमुख बना दे। ऐसे कर्म, ऐसे फलों, ऐसे कर्मों से और ऐसे कर्म फलों से जो निर्लिप्त रहता है। और फिर कहेंगे कि जो ना तो कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, यानी कि सम रहता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में शुभ और अशुभ क्या है? सभी कुछ अशुभ है। शुभ केवल भगवान या भगवान के भक्त या भगवान की भक्ति, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वही शुभ है, बाकी क्या है? इवन शुभ भी कुछ होगा तो इस भौतिक जगत में ही तो रखेगा हमें मृत्यु के बाद, तो फिर वो शुभ कैसे हुआ इन द अल्टीमेट सेंस? इसीलिए इस बात को भक्त समझता है कि द अल्टीमेट शुभ इज ओनली कृष्णा। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आप देखेंगे फिर दोबारा से भगवान यही कहेंगे कि जो शीत तथा गर्मी, सुख और दुख, यश और अपयश में संभाव रखता है। तो देखिए ये इक्वानिमिटी, बार बार भगवान इक्वानिमिटी की बात करते हैं। यही जो संभाव रखने की जो चेतना है, भगवान ने तीसरे अध्याय में और दूसरे अध्याय में भी इसके बारे में बहुत, अगर आप याद करें, रिकॉल करें, हमने पढ़ा था, यही क्वालिटीज बता रहे थे। तो द रीजन इज, जब तक कोई भगवत परायण होता है वही ऐसी क्वालिटी रख सकता है। तो व्हाई दिस क्वालिटी इज कमिंग? बिकॉज ही इज डिवोटेड टू कृष्णा, ही कंसिडर्स कृष्णा एज हिज सोल मास्टर एंड हिज रक्षक। अब एंड में भगवान जो है आ रहे हैं और बोलते हैं कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो कंक्लूड कर रहे हैं पूरे 6 सेक्स जो चैप्टर्स हमने भक्ति के पढ़े हैं, 7 से लेके 12 तक, उसका कंक्लूजन अब यही आ रहा है इस पूरे सेक्शन का, भक्ति योग के सेक्शन का, कि भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति का अनुसरण करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसने ये सोचना छोड़ दिया है कि मैं अपने द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूंगा, जो कि हर योग पथ में ऐसा ही समझा जाता है, हठ योग, हठ करके। हालांकि एक तरीके से हठ योग का ये भी मतलब नहीं है, मगर हठ, हर योगी जो है, ज्ञान के पथ वाला भी योगी यही हठ करता है कि मैं अपने बुद्धि से भगवान को समझूंगा। कर्म योगी जो है वो कर्म के फलों को त्याग करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। एवरीबडी इज सेंटर्ड ऑन द सेल्फ, वाइल द भक्ति योग प्रोसेस इज सेंटर्ड ऑन कृष्णा। दैट इज वाई इमिजिएटली द डिवोटी अटेन्स दोज क्वालिटीज एंड दोज रिजल्ट्स विच अदर योगास डू नॉट गिव। तो अल्टीमेटली इन पूरे सेक्शंस का जो ये कंक्लूजन है वो यही है कि भक्ति जो है सर्वोपरि है, सभी योग पद्धतियों में सर्वोपरि है, और भगवान को प्रिय बनने के लिए जो कोई मार्ग है तो वो यही है। यहीं पर जो है भक्ति योग का ये 12वां अध्याय हमने पूर्ण किया है।